तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी जर्नी गुजरात द्वारकाधीश बाबा के दर्शन करने। तो पहले ये जर्नी अभिषेक भाई के साथ बनी थी, रोड ट्रिप बाय कार, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग आ गया। अब मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ गुजरात बाय ट्रेन। तो चलिए चलते हैं पहले मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन से हम चलते हैं न्यू दिल्ली, वहाँ से अपनी ट्रेन जर्नी शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं। बड़े ही इंतजार के बाद हमारी ट्रेन आई है। काफ़ी ज़्यादा इन्हें वेट करवाया ट्रेन में, 7 मिनट ट्रेन लेट है। सो गाइस, हमारी ट्रेन यहाँ आती हुई काफ़ी लेट ट्रेन आई है, 10 मिनट डिले थी। सो गाइस, अभी हम पहुँचे हैं अलवर। अभी हमने बस अलवर क्रॉस किया है, और ये सामने एक फैमिली है। तो बाहर का वेदर तो एकदम झन्नाट इधर हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का वेदर। सो गाइस, अभी हमने रेलवे की तरफ से एक लिंक मिला, जिसे हमने अपना ये आइटम खाने पीने का कुछ ऑर्डर करा है, जो कि हमारे PR नंबर के साथ हमारी ट्रेन के कोच सीट पे अवेलेबल हो जाएगा। अब देखते हैं कितना ये लाभदायक है और कितना नहीं, बताते हैं आपको आगे जैसे भी खाना आता है या नहीं। हमने जो ऑर्डर किया था, हमारा मसाला डोसा एंड नूडल्स चाउमीन, ये आ चुका है। देखते हैं क्या टेस्ट होगा इसका। कुछ इस तरीके की पैकिंग है। ये हमारा सांभर है, करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं क्या टेस्ट है इसका। कुछ इस तरीके का हमारा सांभर, और ये है नारियल की चटनी, और ये हमारा डोसा। लग रहा थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन देखते हैं टेस्ट कैसा है। हमारी चाउमीन, तो बताते हैं भाई आपको टेस्ट। सो गाइस, ये अपनी है चाउमीन और चिली पनीर ग्रेवी। इसमें पनीर का बस एक ही पीस है, बाकी ग्रेवी ग्रेवी है। क्वांटिटी के नाम पे भी कुछ नहीं है, टेस्ट भी बस ओके ओके है। एंड आप भी ये सब पेन में अपनी जगह पे बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, ये अपनी ट्रेन की फुल स्पीड 100 को चला रहा है भाई ये तो। चलो, बाकी ड्राइवर तो सही खींच के गाड़ी चला रहा है, बस ट्रेन डिले ना हो, टाइम पर ना पहुँचा दें, क्योंकि भाई मैं तो थक गया ट्रेन में बैठा बैठा। बाकी स्पीड देख सकते हो, फुल खींच रखी ड्राइवर ने गाड़ी, एकदम झंझटेदार गाड़ी चला रहा है भाई। सही चल रही है ट्रेन एकदम स्पीड से। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बजे सुबह के 5 और हमारी मंजिल में है कुछ घंटे बाकी। हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन तक लगभग 1 या 1:30 बजे तक, और हम जा रहे हैं द्वारकाधीश गुजरात।
सो गाइस, मैंने आपको दिखाया था कि हमने कैसे रेलवे की साइड से ही खाना अपनी ट्रेन में ऑर्डर किया था, खाना मंगवाया था। तो उसका मैं आपको टेस्ट बता दूँ, खाने का टेस्ट ओके ही था, मतलब ठीक था, आप खा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। बाकी ये सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी कि आप अपने कोच में अपनी सीट पे बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर सके, जो कि मैंने किया और नेक्स्ट स्टॉप पे मुझे सीट पे ही खाना डिलीवर हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये सर्विस भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सुरेंद्र नगर जंक्शन और अभी बजे हैं सुबह के 6:15 यानी कि 6:15। और ये है हमारी ट्रेन, ये हमारे ट्रेन का इंजन। और अभी उधर भैया खड़े हैं, अभी उनसे बात हुई है, ये स्पीड काफ़ी अच्छी मेंटेन करी आपने, और ऐसे ही बस थोड़ा सा हंसी मजाक। और मैं आपको बता दूं, पहले इस ट्रिप पे अभिषेक भाई भी आ रहे थे। ये प्रोग्राम गुजरात का यानी कि मेरी फैमिली का काफ़ी टाइम से पहले बना हुआ था और अभिषेक और मैंने भी ये प्रोग्राम अपना बाय रोड बनाया, लेकिन एंड मोमेंट पे, मतलब आज से करीब कोई 4-5 दिन पहले उनके ऑफिस से छुट्टी कैंसिल हो गई। तो मुझे फिर फैमिली के साथ ये अपनी डेस्टिनेशन बाय ट्रेन कवर करनी होगी। तो चलो मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, हम एक न्यू एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, ये हमने कैटल का स्विच लगाया है और यहाँ अपनी बन रही है गर्मा गर्म मैगी। ट्राई करके देखते हैं, कैटल चल तो गया, अब देखते हैं मैगी बन पाती है या नहीं, दिखाते हैं आपको आगे। सो गाइस, अपनी मैगी यहाँ रेडी हो चुकी है। चलो तो अब खाते हैं मैगी और करते हैं आपसे आगे बातें। सो फाइनली गाइस, अभी हम पहुँचे हैं राजकोट और यहाँ 10 मिनट ट्रेन रुकी रहेगी और मेरे आसपास भी सब जा चुके हैं जितने पैसेंजर थे, काफ़ी कम लोग यहाँ बचे हैं। राजकोट लगभग पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है और यह अपना एसी है भाई, रात को क्या झन्नाट इधर कूलिंग करी इसने, बिल्कुल ठंड लग गई थी, फिर भैया को बुला के टेम्परेचर कम करवाना पड़ा हमें, इतनी ज़्यादा कूलिंग कर दी थी इसने। तो फाइनली यह है राजकोट और 10 मिनट गाड़ियाँ रुकेगी, चलते हैं ज़रा बाहर। अभी हम पहुँच चुके हैं जामनगर और यहाँ से जो मेरा डेस्टिनेशन है अब वो थोड़ा सा ही बचा है। ये अपनी ट्रेन खड़ी है और यहाँ भी बारिश हुई है, मौसम देख सकते हैं, मौसम एकदम कातिलाना हो चुका है, एकदम जहर मौसम हो रहा है भाई। ये अपनी ट्रेन खड़ी है, देहरादून ओखा एक्सप्रेस, उत्तरांचल एक्सप्रेस, और हम अभी हैं जामनगर में और यहाँ से अपने जो द्वारिका का डेस्टिनेशन बचा है वो ट्रैवलिंग टाइम लगभग कोई 2-2.5 घंटे का और रह गया है। अब यहाँ से दिखने लगा है समुंदर, ये देखिए वो जो वहाँ पे आपको दिख रहा है वो समुद्र की सीमा, बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। शायद मेरी वो ठीक से आए ना आपके पास क्योंकि ट्रेन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ से दिखता हुआ, ये देखिए आप व्यू, ये समुद्र की सीमा कुछ कुछ यहाँ से दिखती हुई, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिख रहा है, एकदम येलो मिट्टी के अंदर ब्लू पानी। सो राधे राधे दोस्तों, हम आ चुके हैं द्वारका, ये है द्वारका का रेलवे स्टेशन।